राजस्थान के जिला झुंझुनू तहसील उदयपुर वाटी के अंतर्गत ग्राम गुढ़ा में 7 जुलाई 2019 को बाबूलाल सैनी के रिहायशी मकानों को वन विभाग के अधिकारी रेंजर सरवन कुमार बाजिया व उनकी टीम बाबूलाल सैनी के आशियाने को उजाड़ने का प्रयास कर रहे थे। इस घटना से दुखी वह मजबूर होकर तेल डालकर बाबूलाल सैनी ने आत्मदाह कर लिया था, जिससे बाबूलाल सैनी 90% जल गए थे, जिन्होंने जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। बाद में झुंझुनू जिला की जनता ने बाबूलाल सैनी के परिवार को आर्थिक सहायता दिलवाने के लिए व परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दिलवाने के लिए सरकारी अधिकारियों को बर्खास्त करने के लिए उदयपुर वाटी उपखंड कार्यालय के सामने शव रख कर मांग व प्रदर्शन किया। इससे प्रशासन हरकत में आया और पीड़ित परिवार को 5 लाख की आर्थिक सहायता, मृतक की पत्नी को आंगनबाड़ी में नौकरी तथा दोषी अधिकारियों को बर्खास्त करने का आश्वासन दिया। इसके बाद शव उठाया व धरना समाप्त किया। धरने में शामिल लोगों में झुंझुनू जिले की सर्व समाज जनता, जिले के नेता व सामाजिक कार्यकर्ताओं का भरपूर आर्थिक व शारीरिक सहयोग रहा। है आप में से कोई ऐसा व्यक्ति? पूरे परिवार को पूछा है मैंने, बाबूलाल को पूछा है मैंने, एक भी व्यक्ति इस बात की हानि की कि मैंने कितने पेट्रोल डाला? इसका मतलब पेट्रोल या तो उन्होंने डाला या उन लोगों ने डलवाया जो चीकर में पेट्रोल की बोतल लेकर साथ घूमते थे। चीकर में पेट्रोल की बोतल डाल नहीं पाए, वो बोतल बची हुई थी मेरे बाबूलाल के लिए। तो खबरदार उनको करना चाहता हूं, वो बोतल तुम्हारे काम तो आई नहीं, भगवान करता हूं तुम्हारे काम में आती, पर वो बोतल तुमने हमारे बाबूलाल के काम में ले ली। इसलिए कौन कहता है कि उसने आत्मदाह किया है? जो लोग किसी का घर उजाड़ सकते हैं वो किसी की हत्या भी कर सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जीने के लिए जन्म लिया था और अपने अधिकारों की पूर्ति कर रहा था। सरकार रोटी कपड़ा मकान सामान्य व्यक्ति को देती है, परंतु एक बीपीएल को तो एक्स्ट्रा सुविधा और मुहैया उपलब्ध कराती है, परंतु आपने तो इसके विरुद्ध कुछ सबको छीन लिया है। प्रशासन के लोगों को ये अवगत कराना चाह रहा हूँ कि इनके परिवार के साथ 3 दिन से क्या गुजर रही होगी। आंख खोलो, नींद से जागो और हमारे बीच आकर के हमने जो मांगे रखी है वो पूर्ति करे और जनता के साथ सहानुभूति जताकर हमारा जो ये काम है इसको पूरा करे। जय हिंद, जय भारत।